बहुत ज्यादा कॉस्ट नहीं है, सिर्फ 2 से 2.5 लाख की कॉस्ट रहेगी। ये सारी की सारी चीजें आपको मिल सकती हैं और ये फ्लैट काफी मायनों में खास हो जाता है क्योंकि इसमें लोन भी आपका LIC से होगा, मेन रोड से नजदीक है, सामने चोरी रोड है, विगस मॉल सिर्फ 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, सेक्टर 13 का पार्क काफी नजदीक है। जय भोलेनाथ दोस्तों, गुरु महादेव रियल एस्टेट में मैं सुग्रीव शर्मा आप सभी का वेलकम करता हूं। आज बात करेंगे एक ऐसे 3 BHK फ्लैट की जो मेन मेट्रो लाइन से काफी नजदीक है और ऐसे ही 3 BHK फ्लैट की डिमांड हमेशा हमारे जो दोस्त हैं, हमारे क्लाइंट हैं, अक्सर करा करते हैं और ये फ्लैट काफी मायनों में खास हो जाता है क्योंकि इसमें लोन भी आपका LIC से होगा, मेन रोड से नजदीक है, सामने चोरी रोड है और द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन यहाँ से सिर्फ 600 से 700 मीटर के डिस्टेंस पर है। इसमें 2 फ्लैट है, 160 स्क्वायर यार्ड की बिल्डिंग है। सेकंड फ्लैट की वीडियो हम लोग पहले शूट कर चुके हैं, आप लोगों ने देखी होगी, ये उसी का सेकंड पार्ट है। इनकेस अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो भी आप जाकर देख सकते हैं। आज हम इस फ्लैट को देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे, इसकी लोकेशन को समझेंगे और ये देखेंगे कि क्या ये आपका घर बन सकता है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं इस बिल्डिंग के बारे में, आसपास की लोकेशन के बारे में, बिल्डिंग के साइज के बारे में, फ्लैट के साइज के बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ। ये बिल्डिंग 160 स्क्वायर यार्ड की है जो कि द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन से सिर्फ 600 या 700 मीटर के डिस्टेंस पर है और मेन मेट्रो लाइन से सिर्फ 300 या 350 मीटर के वॉकिंग डिस्टेंस पर है। इसके अलावा यहाँ नजदीक आपको सारी सुविधाएं मिल जाती हैं, आपको मार्केट नजदीक मिलती है, बच्चों के लिए स्कूल नजदीक मिलता है, हॉस्पिटल नजदीक मिलते हैं दोस्तों और इसके अलावा मेन द्वारका भी यहाँ से सिर्फ 1.5 से 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, विगस मॉल सिर्फ 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, सेक्टर 13 का पार्क काफी नजदीक है, मेट्रो काफी नजदीक है, यानी कि वो सारी सुविधाएं जो अक्सर आप घर ढूंढते वक्त देखते हैं, समझते हैं, वो सारी की सारी चीजें आपको इसमें मिल जाती हैं, इसके नियर बाय मिल जाती हैं। अब बात करते हैं आपकी बिल्डिंग की और आपके फ्लैट की, तो सबसे पहले मैं दिखाता हूं बाहर का रोड। ये बाहर का रोड है, ये बिल्डिंग की एलिवेशन है, यहां से आपकी एंट्री होने वाली है आपकी पार्किंग में, तो आप देख सकते हैं काफी वाइड गेट यहां पर लगाए गए हैं। ये आपकी पार्किंग है जहां पर आपकी गाड़ियां खड़ी होंगी, यहां पर आपकी लिफ्ट का सेक्शन है और यहां से स्टेयर केस है जहां से आप जाएंगे अपने फ्लैट के अंदर और इसके बाद यहां से आप एंट्री करेंगे अपने फ्लैट के अंदर और ये है आपका लिविंग स्पेस। लिविंग स्पेस आप देख सकते हैं काफी डिफरेंट तरीके से डिजाइन किया गया है। यहाँ पर आपको आपका जो डाइनिंग स्पेस है वो भी मिलता है, डाइनिंग स्पेस भी काफी बड़ा आपको मिलता है, तो 6 सीटर डाइनिंग टेबल आप यहाँ पर इजीली लगा सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आपके सिटिंग एरिया की, यानी कि आपके लिविंग एरिया की, तो इसमें आपको 5 to 7 persons की सिटिंग इजीली आप दे पाएंगे। इनकेस अगर आप थोड़ा सा स्लीक साइज का सोफा लगाते हैं, पफ्स लगाते हैं, तो आप 8 to 10 persons की सिटिंग भी यहाँ पर इजीली दे सकते हैं। पीछे की वॉल आपको डिजाइनर मिलती है, ये कुल्टिंग वर्क आपको मिलेगा इनकेस अगर आप फुली फर्निश्ड फ्लैट लेते हैं, अदरवाइज यहाँ पर आपको वॉलपेपर लगा कर देंगे और ये कंप्लीट ग्लास वर्क और ये सब भी आपको दोस्तों फुली फर्निश्ड का ही पार्ट है। बहुत ज्यादा कॉस्ट नहीं है, सिर्फ 2 से 2.5 लाख की कॉस्ट रहेगी। ये सारी की सारी चीजें आपको मिल सकती हैं। सोफे के ठीक सामने आपको टीवी पैनल मिलता है जो कि काफी बड़े साइज का है, टीवी भी आपको मिलेगा इनकेस अगर आप फुली फर्निश्ड फ्लैट लेते हैं। यहाँ पर स्विच एंड सॉकेट्स आपको मिलते हैं, नीचे आपको ड्रॉर्स मिलती हैं, ओपन शेल्फ आपको मिलती है और ये कंप्लीट शानदार लुक एंड डिजाइन के साथ टीवी पैनल भी आपको कंप्लीटली मिल जाएगा। तो ये आपका लिविंग कम डाइनिंग स्पेस आपको मिल जाता है। इसके बाद बात करेंगे आपकी किचन की, क्योंकि किचन काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों। किचन के स्टार्टिंग में ही आपको फ्रिज का स्पेस मिलता है, पीछे आपको टाइल वर्क मिलती है, ऊपर आप देख सकते हैं प्रॉपरली जो ग्लास वर्क के साथ आपको स्टोरेज भी मिलती है और ये है आपकी शानदार सी किचन जिसके बाहर आपको विंडो भी मिलती है। इसके बाहर आपको 15 फीट की लेन मिलती है, यानी कि इस तरफ से भी प्रॉपर वेंटिलेशन आपको मिलेगा और यहां से भी प्रॉपर वेंटिलेशन आपको मिलेगा, यानी कि ये फ्लैट आपका एल टाइप कॉर्नर का फ्लैट मिलता है। एल टाइप की किचन की स्लैब आपको मिलती है, डबल मोल्डिंग का वर्क आपको मिलने वाला है और नीचे आप देख सकते हैं जितनी भी बास्केट्स हैं ये सारे प्रीमियम क्वालिटी के स्टील में बनाई गई हैं दोस्तों और जितने भी चैनल्स यूज किए गए हैं वो भी काफी अच्छी क्वालिटी के इस्तेमाल किए गए हैं। मिडिल सेक्शन में आपको जो बेज कलर की टाइल्स हैं वो मिलती है, इस तरफ भी और यहाँ पर भी स्विच एंड सॉकेट्स दिए गए हैं जिससे अपना कोई भी इलेक्ट्रिकल आइटम आप इजीली इस्तेमाल कर पाएंगे। यहाँ पर चिमनी का स्पेस दिया गया है,
और अपर सेक्शन पर कंप्लीटली मिरर लुक के साथ आपके जो शटर्स हैं वो डिजाइन किए गए हैं। ये सारे के सारे दोस्तों एल्यूमिनियम में है और ओपन करने के बाद ऊपर आप देखेंगे प्रोफाइल लाइट आपको मिलेगी, जिससे कि प्रॉपर रोशनी अंदर भी आपको मिलेगी। और अंदर और बाहर दोनों तरफ माइका लगाई गई है, जिससे कि साफ रखने में किचन को काफी हेल्प मिलती है। बैक साइड पर भी आपको यहाँ टाइल वर्क देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपका सिंक है जो कि बड़े साइज का लगाया गया है, और उसके जस्ट पीछे काफी बड़ी विंडो लगाई गई है, जिससे कि प्रॉपर वेंटिलेशन मिलता रहे, किचन में काम करते वक्त आपको हमेशा ही फ्रेश एयर फील हो। यहाँ पर किचन का गीजर आप लगा सकते हैं, उसके लिए भी अलग से स्विच एंड सॉकेट्स दिए गए हैं। सीलिंग की बात करें तो कंप्लीट सीलिंग का डिजाइन आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी आपको डिफरेंट एंड यूनिक कंसेप्ट के साथ मिलता है। ये दोस्तों आपकी किचन थी और ये आपका कंप्लीट लिविंग स्पेस कम डाइनिंग स्पेस था। अब हम बात करेंगे आपके बेडरूम्स की, तो जानेंगे कि क्या बेडरूम के साइजेस हैं और क्या कुछ मिलने वाला है आपके बेडरूम में, बेड लगने के बाद भी कितना स्पेस आपको मिलता है। तो ये है आपका पहला बेडरूम। इस पहले बेडरूम की अगर मैं साइज की बात करूं दोस्तों, तो लगभग 11 फीट बाय और ऑलमोस्ट 11.5 फीट का साइज इसमें आपको मिलता है। आप देख सकते हैं 6x6 का बेड आपके लिए प्लेस किया गया है, उसके बावजूद भी तीनों तरफ कितनी ओपननेस आपको यहाँ पर मिलने वाली है। बेड के ठीक साथ में आपको विंडो मिलती है जो कि UPVC में बनाई गई है, उसके नीचे स्विच एंड सॉकेट्स आपको मिलते हैं, जिससे कि अपना मोबाइल फोन या फिर कुछ भी आप चार्ज करना चाहें तो इजीली चार्ज कर पाएंगे। यहाँ पर भी आपको स्विच एंड सॉकेट्स दिए गए हैं, जिससे कि अपना टीवी आप यहाँ पर इजीली प्लेस कर पाएंगे। सीलिंग का डिजाइन भी आप देख सकते हैं, ये भी काफी डिफरेंट एंड यूनिक आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो ये पहला बेडरूम है जो साइज के लिहाज से बिल्कुल परफेक्ट है। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसमें तीनों ही बेडरूम ऐसे हैं जिसमें आपको विंडो मिलती है और आपको वेंटिलेशन मिलता है, इवन आपकी किचन में भी आपको विंडो मिलती है। ये आपका सेकंड बेडरूम है और सेकंड बेडरूम का साइज आप देख सकते हैं 11 फीट बाय और ऑलमोस्ट 11.5-12 तक का दोस्तों आप कह सकते हैं इसका साइज आपको मिलता है। अगेन 6x6 के बेड के बाद तीनों तरफ आपको प्रॉपर स्पेस मिलता है। पीछे की वॉल आपको डिजाइनर मिलती है कोटिंग वर्क के साथ, इनके से अगर आप फुल्ली फर्निश फ्लैट लेते हैं, और साथ में ही आपको आपकी वार्डरोब भी मिल जाती है। टीवी लगाने के लिए आपको यहाँ पर स्विच एंड सॉकेट्स दिए गए हैं, फिटिंग दी गई है, और ये वार्डरोब भी मैं आपको दिखा देता हूँ, काफी बड़ी है, डीप है दोस्तों। अंदर भी एक डोर आपको मिलती है और ऊपर की तरफ भी आपको स्टोरेज दी गई है। यहाँ पर UPVC के डोर एंड विंडोज आपको मिलती है, ये पोर्शन आपका फिक्स रहेगा, ये पोर्शन आप ओपन कर सकते हैं, और इसके बाहर आपकी बालकनी है। बालकनी दोस्तों रात हो गई है तो मैं दिन की शॉट्स हम लोग चला देंगे कि बालकनी कैसी है। उससे पहले देखते हैं आपका थर्ड बेडरूम, और थर्ड बेडरूम से पहले मैं दिखाना चाहता हूं आपका कॉमन वॉशरूम। तो काफी बड़े साइज का आपका ये वॉशरूम है, जिसमें रूफ हाइट तक की टाइल्स हैं, और ये वॉशरूम भी दोस्तों बाहर की तरफ है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो अंदर की तरफ हो सिवाय लिविंग स्पेस के। तो काफी बड़ा वॉशरूम आपको मिलता है, काफी अच्छी गेटअप के साथ मिलता है, और सारी की सारी फिटिंग्स भी आपको यहाँ पर क्वालिटी की मिलती हैं। और उसके बाद अब हम आ जाते हैं आपके थर्ड बेडरूम में दोस्तों, जो कि 12 फीट बाय और ऑलमोस्ट 10.5 फीट का है। आपने नोटिस किया होगा कि सारे के सारे बेडरूम्स के जो साइजेस हैं वो काफी अच्छे आपको यहाँ पर मिलते हैं। अगेन 6x6 का बेड आप देख सकते हैं, पीछे की वॉल आपको डिजाइन लुक के साथ मिलती है। यहाँ पर आपकी वार्डरोब है जो कि रूफ हाइट तक आपको मिलती है, काफी स्टोरेज आपको मिल जाती है, और यहाँ पर मिलता है आपका अटैच वॉशरूम जो अगेन काफी शानदार डिजाइनर लुक के साथ आपको मिलता है। वॉल हैंगिंग कमोड, डिजाइनर लुक का वॉश बेसिन, नीचे वैनिटी, और एक तरफ कंप्लीटली आपको शावर मिलता है, और यहां से भी आप अपनी बालकनी में जा सकते हैं। अब देखते हैं आपकी बालकनी। ये आपकी बालकनी है दोस्तों, जो कि काफी बड़ी है। यहाँ से आपके सेकंड बेडरूम की एंट्री थी, वहां से आपके थर्ड बेडरूम की एंट्री है। कंप्लीट एलिवेशन पर आपको टाइल वर्क मिलता है, स्टील की रेलिंग यहाँ मिलती है, टफन ग्लास आपको मिलता है, और सामने 30 फीट वाइड रोड आपको मिल जाती है। अभी रात का वक्त है तो दिन के शॉट्स भी हम लगा देंगे, जिससे आप देख पाएं कि दिन के वक्त ये लोकेशन कैसी आपको नजर आती है। जो दोस्त 3BHK फ्लैट ढूंढ रहे हैं उनके लिए ये लोकेशन बेस्ट है, क्योंकि दिल्ली में द्वारका मोड़ की लोकेशन पर एल टाइप कॉर्नर का फ्लैट फुली वेंटिलेटेड और काफी रीजनेबल कीमत पर आपको मिल जाता है। विद लिफ्ट है, विद कार पार्किंग है दोस्तों, और इसमें लोन भी आप 80-90% LIC से ले पाएंगे। इसके अलावा किसी भी तरह की डिटेल के लिए आप कॉल कर सकते हैं गुरु महादेव रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड पर। और इस तरह के शानदार फ्लैट देखने के लिए दोस्तों जुड़े रहें गुरु महादेव रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड के साथ। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी जरूर करें। जय भोलेनाथ।